हेलो गाइड्स, ओबलेट्स में स्वागत दोस्तों। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छे रहोगे। तो आज जो टॉपिक लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए, वो है सैमसंग कंपनी का 21 इंच अल्ट्रा स्लिम टीवी। इसका प्रॉब्लम आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के सामने ही प्रॉब्लम है। जो इसका प्रॉब्लम है वो है LED ग्लो हो रहे हैं, लेकिन LED बंद भी हो रहा है, यानी टीवी चालू भी हो रहा है लेकिन पिक्चर नहीं बन रहा है। कैसा बात हो गया कि टीवी तो चालू हो रहा है लेकिन पिक्चर नहीं बन रहा है? तो पिक्चर बनने का और टीवी चालू होने का बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो यहाँ पे जो है साउंड बिल्कुल सही आ रहे हैं, इसके अंदर से साउंड आ रहा है, बहुत अच्छा से क्लियरली सुन पा रहे हैं, बहुत अच्छा साउंड है। लेकिन डिस्प्ले में यानी स्क्रीन पर कोई भी पिक्चर नहीं आ रहा है इसका। दोस्तों, पिक्चर ना आने का बहुत से रीज़न होते हैं, बहुत कारण होते हैं। तो फर्स्ट टाइम जो आप लोगों को देखना है, देखिए फर्स्ट टाइम देख लीजिए, बल्ब जल रहा है। अब मैं स्टैंड वायर रिलीज कर रहा हूँ, बटन दबा रहा हूँ, देखिए बंद हो गया, बल्ब बंद हो गया, यानी स्टैंड वायर रिलीज हो गया। अभी जो है यहाँ पे पिक्चर आना चाहिए, यानी ब्लू की स्क्रीन आना चाहिए, लेकिन वो स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, लाइटिंग शो नहीं हो रहा है। तो चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ, बैक कवर को खोल लिया, बने रहिए वीडियो के साथ। पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा तभी आप लोगों को जानकारी मिलेगा। चलिए यहाँ पे जो मेन IC लगा है, यूज किया है कंपनी ने, उसका है A07, ओके, जो कॉमनली मेन IC है। और ये जो सर्किट आप लोग देख सकते हैं, सैमसंग कंपनी, वीडियोकॉन कंपनी और फिलिप्स कंपनी, तीनों कंपनी जो है एक ही सर्किट यूज करते हैं। तो बोर्ड को मैं खोल लिया, अभी आप लोगों को बैक साइड पर लेके चले। अभी यहाँ पे आके क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके आप लोगों को कुछ जो वोल्टेज है, इंपॉर्टेंट वोल्टेज, वो वोल्टेज को आप लोगों को देख लेना चाहिए। यानी क्या क्या वोल्टेज देखना चाहिए? फर्स्ट टाइम जो हर कंडीशन में, अगर टीवी कैसा भी हो लेकिन एक वोल्टेज जो है वो चेक करना ही चाहिए, जरूरी है, बहुत जरूरी है वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज? जो ST सप्लाई वोल्टेज, यानी हर एक कंपनी का हर एक टाइप का वोल्टेज होता है ST सप्लाई वोल्टेज। तो आप लोगों को देख लेना चाहिए ST सप्लाई वोल्टेज को, कि वो वोल्टेज कितने लेवल पर है। चलिए देख लेता हूँ ST सप्लाई वोल्टेज कितना है। तो देखिए यहाँ पे बहुत कम शो हो रहा है और नेगेटिव यानी माइनस भी शो हो रहा है। ऐसा होने का कारण क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए अभी सही हो रहा है क्योंकि ग्राउंड सही से नहीं मिल रहा था उसको, मल्टीमीटर को। तो अभी देखिए, तो ST सप्लाई वोल्टेज में मैं जब लाइन, देखिए ग्राउंड को मैं सॉलिड कर लेता हूँ यानी बोर्ड से ही लेता हूँ। अभी देखिए 116 वोल्टेज, यानी ST सप्लाई वोल्टेज 116, ओके, जो बिल्कुल सही है। अल्ट्रा स्लिम में 16 ही रहता है, 115-16 इतना रहता है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छे से समझिए। अभी देखिए 60 वोल्टेज है, यानी स्टैंड बाय में है, इसलिए अभी 60 है, 100 सप्लाई यानी ST सप्लाई वोल्टेज। अभी मैं रिलीज कर दिया, स्टैंड बाय रिलीज करूँगा, देखिए स्टैंड बाय रिलीज मैं कर दिया, और करने के बाद देखिए वोल्टेज बढ़ जाएगा, 115 हो जाएगा, देखिए 115-16 हो गया। अभी यही वोल्टेज को आप लोगों को देखना है। तो देखिए 116 वोल्टेज, ओके। अभी मैं चेक कर लूँगा जो साउंड में जो वोल्टेज जा रहा है, साउंड सेक्शन में कितना वोल्टेज जा रहा है, 11 वोल्टेज, ओके, 23 वोल्टेज, ये भी सही है, और 10 वोल्ट रेगुलेट के लिए देखना चाहिए, ये भी सही है, 10.8 वोल्टेज, यानी 11 के आसपास वोल्टेज आ रहा है, 0.2 कम वोल्टेज, लेकिन 11 वोल्टेज तक आ रहा है। दोस्तों अभी जो काम है वो आप लोगों को करना है कि यहाँ पे तो वोल्टेज सब ओके है, फिर भी ये जो टीवी है स्क्रीन पे लाइट नहीं जा रहा है। तो अभी आप लोगों को क्या करना चाहिए, ST सप्लाई वोल्टेज देख लिया, ओके, 112 वोल्टेज। तो ST का जो पिन है यानी ST सप्लाई वोल्टेज जो निकल रहा है ट्रांसफॉर्मर से, 110 वोल्टेज सप्लाई लाइन, वो वोल्टेज ST के पिन में जा रहा है, ये देखना चाहिए आप लोगों को। अभी मैं देखिए ड्राइवर में वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, तो ड्राइवर में वोल्टेज 9 वोल्टेज इनपुट हो रहा है उसको, और वो आउटपुट भी कर रहा है, यानी दोनों सही है उसका, उस पर कोई गड़बड़ नहीं है। तो उसका इनपुट आउटपुट दोनों वोल्टेज सही है। अभी देख लेना चाहिए और एक चीज़ देखेंगे जो है ट्यूनर पे 5 वोल्टेज,
ओके तो देखिए तीनों आर सेक्शन में जो 5 वोल्टेज होता है वो वोल्टेज देख लेंगे कि वो वोल्टेज सही आ रहा है कि नहीं। दोस्तों वहाँ पे जो 5 वोल्टेज आना चाहिए वहाँ पे 2.7 वोल्ट तक आ रहा है, यानी आधा वोल्टेज आ रहा है। हालांकि सेट जो है वो स्टेनो में रिलीज हो चुका है, उसके बाद भी यहाँ पे वोल्टेज जो है हाफ वोल्टेज आ रहा है, यानी 5 वोल्ट होना चाहिए, वहाँ पे 2.7 वोल्ट तक दिख रहा है। ओके अभी जो मैं है उसका यानी ड्राइवर के साथ जो कनेक्ट रहता है एक ट्रांजिस्टर, उसका वोल्टेज जब मेजर कर रहा हूँ उसका वोल्टेज क्या हो रहा है, फ्लैक्चर हो रहा है, नहीं रुक रहा है, यानी कुछ भी बता रहा है, उल्टा पल्टा काम कर रहा है। और अभी चले जाते हैं एसटी का, जो एसटी में जो इनपुट हुआ और आउटपुट जो हुआ, यानी एसटी में जो आउटपुट होता है वहाँ पर जो वोल्टेज देखिए 113 वोल्टेज हो गए हैं, यानी जो आउटपुट ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्ट रहता है एसटी का पिन। तो देखिए यहाँ पे 113 वोल्ट यहाँ पे भी है, लेकिन ये वोल्टेज देखिए, तो दोस्तों ध्यान से आप लोग देखिए कि यहीं पे प्रॉब्लम है। देखिए 110 वोल्टेज 13 वोल्टेज जो मिल रहा है एसटी के पिन में, वो वोल्टेज आउटपुट में आएगा, यानी आउटपुट ट्रांजिस्टर के मिडिल पिन कलेक्टर पिन में आएगा, वो वोल्टेज गिरेगा यहाँ पे, लेकिन वो वोल्टेज यहाँ पे नहीं आ पा रहा है। देखिए कारण क्या है, एसटी के पिन में मिल रहा है लेकिन एक ही लाइन है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, फिर भी नहीं आ रहा है, आउटपुट को मैं नहीं मिल रहा है, एक ही लाइन है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को कर लेना चाहिए, यानी देख लेना चाहिए एक चीज़ जो है लाइन, इसका लाइन यानी डिस्कनेक्ट का जो कारण होगा ऐसा ही कुछ होगा, डिसोल्डर या तो फिर डिस्कनेक्ट हो गया, बोर्ड क्रैक हो गया। तो यहाँ पे मेरे को बोर्ड क्रैक ही देख रहे हैं, यानी बोर्ड थोड़ा सा सामने से क्रैक हो चुके हैं, जिसके कारण से बहुत कुछ इसका मिसिंग हो रहा है, यानी ग्राउंड मिसिंग हो रहा है, उसके बाद आपका जो है 180 वोल्टेज मिसिंग हो रहा है, उसके बाद वर्टिकल सप्लाई मिसिंग हो रहा है, यानी क्रैक हो चुके हैं बहुत दूर लेके, बहुत दूर एरिया लेके क्रैक हो चुके हैं बोर्ड, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम आ रहे हैं, जिसके कारण से क्या हो रहा है एसटी के जो पिन में वोल्टेज दिख रहा है लेकिन वो वोल्टेज नहीं पहुंच रहा है। चलिए बीप रेंज में मल्टीमीटर को रख के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए देखिए कोई भी ओम्स नहीं सो रहा है, हालांकि लाइन एक ही है। अब देखिए अभी देखिए यहाँ पे सही है, यहाँ पे नहीं है। ओके समझ चुके हैं आप लोग, आप लोगों को दिखा भी दिया कि देखिए लाइन खास करके आँख नहीं पड़ेगा यहाँ पे, बस आप लोगों को मल्टीमीटर से पता चलेगा, फिर आप लोग जब ध्यान से देखिएगा तब आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ लाइन क्रैक हो चुके हैं। तो दोस्तों अभी जो है लाइन को मैं ठीक कर लूँगा, यानी बहुत सारे लाइन ठीक करना है, तो मैं एक एक करके इसको कर लेता हूँ ठीक, और फिर आप लोगों को वोल्टेज मेजर करके दिखाता हूँ और टीवी चालू करके भी दिखा रहा हूँ कि इसका कंडीशन क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मैं पहले इसको सोल्डर कर लिया, यानी जितना भी लाइन क्रैक हो चुके थे सबको मैं सोल्डर कर चुका हूँ, सबका लाइन कनेक्ट कर चुका हूँ। अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसका वोल्टेज तो देखिए यहाँ पे आउटपुट ट्रांजिस्टर के पिन में दिख रहा है 127 वोल्टेज, और एसटी सप्लाई वोल्टेज कितना है 116 वोल्टेज। ओके अभी देखिए एसटी बन रहा है कि नहीं, तो देखिए 190 के आसपास 90 तक आ रहे हैं 100, तो एसटी पूरा हमारा बन चुके हैं। अभी देख लेंगे 5 वोल्ट ट्यूनर पे, तो देखिए परफेक्ट यानी पॉइंट ऑन वोल्ट कम है, लेकिन 5 वोल्ट आ चुका है, पॉइंट ऑन वोल्ट कम 5 वोल्ट के आसपास आ चुका है, परफेक्ट वोल्टेज जो पहले नहीं हो रहा था, पहले 2.7 वोल्टेज था। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एसी लंबा लाइन गढ़ के जो था क्रैक हो चुका था बोर्ड, इसी बोर्ड को मैं सोल्डर कर दिया, अभी जो है इसका 5.5 वोल्टेज सही हो चुका है। और चलिए आप लोगों को मैं टीवी के स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि इसका पिक्चर जो है यानी ब्लू बैक स्क्रीन कैसा आ रहा है, कंडीशन क्या है, टीवी चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसका जो ब्लू बैक स्क्रीन है वो आ चुका है। तो आई होप कि गाइड्स आप लोगों को मालूम चल गया कैसे इसका रिपेयर हुआ और कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था। तो देखिए पहले क्या हो रहा था, रेड लाइट जल रहा था, फिर हम यहाँ से स्टेनो रिलीज कर रहे थे
बाल्ब बंद हो रहा था लेकिन स्क्रीन पर कोई पिक्चर नहीं आ रहा था। अभी देखिए, बल्ब बंद हो गया, बटन दबाया उसके बाद, और देखिए टीवी पे पिक्चर आ चुका है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, देखते रहे ऐसे।